راح عليك من السلامك. अरे मोमना तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं दरअसल हुस्ना के पास गया था. तो आप हर रोज जाते हैं? लेकिन आज हमारी शादी की सालगिरह. शादी की सालगिरह, बरसी, उनकी सालगिरह. आप आज भी सब मनाते हैं. आप बहुत नेक इंसान हैं. अरे मैं कहाँ नेक बेटा. नेक तो वो थी हुस्ना, ये अब्दुल आला साहब. मैं तो सदा का गुनाहगार, आज तो गुनाहगार ही चला आ रहा. खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारा अमेरिका का ट्रिप कैसा रहा? अच्छा था. फिल्म की शूट खत्म हो गई है, फिर ब्रॉडवे पर एक प्ले करके आए हैं. एक और फिल्म की ऑफर है, एक ब्रांड की एंडोर्समेंट भी की है. काम खत्म होने से पहले एक नया काम, रिस्क खत्म होने से पहले रिस्क. माशाल्लाह मोमना, माशाल्लाह. पर दिल, दिल वैसे का वैसा. उदास. ना शुक्रा. इस दुनिया में दिल ना लगना अपने अंदर एक नेमत है बेटा. और ये तो मोमना का दिल है, ऐसे ही रहता. मोमना ही का तो दिल नहीं है. कुरान का आखिरी सफा रह गया था, आज वो भी खत्म कर दिया. क्यों, फिर नहीं आओगी क्या? आना चाहती हूँ, लेकिन पैरों में सफर का भंवर लिपट गया है. अभी अमेरिका जाना है, वहां से इंडिया. पता नहीं कब आऊं, आऊं भी या नहीं. अल्लाह ले आए, जब लाना चाहेगा ले आए. अच्छा वो तुमने वो फैसल का जिक्र किया था मुझसे, उससे मंगनी तो हो गई थी ना तुम्हारी? मैंने खत्म कर दी. क्यों, क्यों बेटा? पता नहीं मास्टर साहब, किसी मर्द के घर की इज्जत बनकर उसके घर का रिस्क खाना शायद मेरे हाथों की लकीरों में लिखा ही नहीं. मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ, बेटी नहीं बन सकती. बड़ा दुख हुआ मुझे फैसल वाली बात सुन. मुझे भी हुआ था. आपने कहा था मुझे अजर मिलेगा. फैसल मेरा अजर था, मैं हाथों से गवा दिया मैंने. नहीं बेटा, वो अजर नहीं था. अजर होता तो मिल जाता. अजर कोई खो देने वाली या गमा देने वाली चीज थोड़ी. जो खो जाए वो अजर नहीं होता. अजर सिर्फ पहले की आजमाइश होती. आप ऐसी बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कोई मेरे जख्म पर मरहम के ठंडे भाए रख रहा है. सारी दुनिया आपके जैसे क्यों नहीं हो सकती? ये देखो ये क्या है. अब्दुल आला साहब के हाथ का तहरीर करदा कुरान पाक का नुस्खा. तुम रखी, तुम्हारा है. मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटे जब मैं कामयाबी और शोहरत की चकाचौंध में रास्ते भूल रहा था,
ये मुझे यहाँ ले आया। तुम भी उसी रास्ते पे जाने वाली हो, तुम्हें भी रास्ता दिखाएगा। आप जैसी कामयाबी नहीं मिलने वाली मुझे, लेकिन मैं इसे रखने से इनकार नहीं कर सकती। आपने बहुत कीमती तोहफा दिया है मुझे। मैंने नहीं दिया, ये अब्दुल आला साहब खुद तुम्हें लेकर गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम आओ तो ये तुम्हें दे दिया जाए। कब आए थे आप, तो मुझे बताए क्यों नहीं? अरे वो जिस दिन तुम लाहौर जाने का बताने आई थी, उस रोज यहीं तो बैठे थे वो। आपने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ, मुझे मिलवाएंगे उनसे? मेरा अभी तो वो वापस तुर्की चले गए, अब क्या आएंगे तो जरूर मिलवाऊंगा इंशाल्लाह। आपको अंदाजा नहीं है कि उनके काम की कितनी बड़ी मद्दाह हूँ मैं। इस जमाने के सबसे बड़े खत्तात हैं वो, मुहक्किक स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी के। उनके बाद वैसा कोई नहीं आएगा। दुआ करो बेटा कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ये सिलसिला यूं ही चलता है। आमीन।